Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about the homomorphism, and we will prove that the regular languages are closed under homomorphism. तो पहले हम homomorphism देखते हैं कि क्या होता है. Let's say कि हमारे पास दो alphabet sets हैं, एक sigma है और एक tau. और अगर हम ऐसा कोई function बनाएं जिसमें कि ये जो alphabet set है sigma That maps to this tau closure. तो हम कहेंगे कि we have defined the homomorphism. Okay, so I again repeat कि ये एक alphabet set है sigma और ये एक alphabet set है tau. तो हम एक function define कर रहे हैं जिसमें कि sigma maps to tau star. अगर ऐसी मैपिंग पॉसिबल है तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज होमोमॉर्फिज्म. विल टेक एग्जांपल और एग्जांपल को देखने से आप इसको समझ जाएंगे अगर अभी आपको समझ में ना आ रहा हो. तो एक कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कि एच एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन. और अगर हम एच एप्सिलॉन मीन्स हम होमोमॉर्फिज्म निकाल रहे हैं एप्सिलॉन का, सो दिस विल बी एप्सिलॉन. और अगर मान लीजिए कि हम होमोमॉर्फिज्म निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड का, ये एक स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, तो दिस विल बी इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ एच, एक्स कॉन्कैटिनेशन विद होमोमॉर्फिज्म ऑफ वाई एंड कॉन्कैटिनेटेड विद होमोमॉर्फिज्म ऑफ जेड. दीज आर दी एडिशनल प्रॉपर्टीज. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम होमोमॉर्फिज्म एक स्ट्रिंग का निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी एक्चुअली द कॉन्कैटिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एंड उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से जो पहला अल्फाबेट सेट है दैट इज ए एंड बी, एंड लेट्स से जो दूसरा अल्फाबेट सेट है टाउ, दिस इज इक्वल्स टू 0 1 2. सो लेट्स से हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 1 0. लेट्स से हम लोगों ने एक और होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 0 2. सो वी आर डिफाइनिंग दिस होमोमॉर्फिज्म, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली है ए की होमोमॉर्फिज्म के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 1 0, और इसी तरह से बी की मैपिंग हमने डिफाइन कर रखी है 1 0 2. जो ये वाला पार्ट है दैट बिलोंग्स टू सिग्मा एंड दिस पार्ट बिलोंग्स टू टाउ. अगर मान लीजिए कि हमें होमोमॉर्फिज्म निकालना है ए बी बी ए का, सो दिस विल बी इक्वल्स टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए कॉन्कैटिनेटेड विद होमोमॉर्फिज्म ऑफ बी कॉन्कैटिनेटेड विद होमोमॉर्फिज्म ऑफ बी and then concatenated with homomorphism of A. So this will be equals to 0, 1, 0, then 1, 0, 2, then 1, 0, 2, and 0, 1, 0. So this will be your answer. तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकाला. मान लीजिए कि आप होमोमॉर्फिज्म एक लैंग्वेज के फॉर्म में निकालना चाहते हैं. सो लेट्स से आपके पास एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं ए बी, लेट्स से ए बी ए एंड लेट्स से डबल ए बी एंड लेट से ए बी बी, ये इसका पार्ट है. तो व्हाट विल यू से अबाउट द लैंग्वेज, लेट से होमोमॉर्फिक इमेज की, इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो किस लैंग्वेज को डिनोट करेगा? सो आप ए बी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एच ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एच ऑफ ए कॉन्कैटिनेटेड विद एच ऑफ बी. सो ए बी रिप्रेजेंट होगा 0 1 0 फॉलोड बाई 1 0 2 से. हाउ विल ए बी ए बी रिप्रेजेंटेड? 0 1 0, 1 0 2 एंड अगेन 0 1 0 एंड देन ए ए बी क्या होगा? सो ए के लिए होमोमॉर्फिक इमेज है 0 1 0, 0 1 0 एंड 1 0 2. और जो ए बी बी के लिए इमेज होगी क्या होगी? 0 1 0 एंड देन 1 0 2 एंड 1 0 2. ओके, सो ये जो हमने होमोमॉर्फिक इमेज क्रिएट की है वो फाइनाइट है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है. आपको ये पता है कि जो भी लैंग्वेज का सेट फाइनाइट सेट होता है उसको आप जरूर कहेंगे कि वो रेगुलर है, क्योंकि इस लैंग्वेज का सेट जो फाइनाइट सेट है इसलिए आप कहेंगे कि ये भी रेगुलर है. इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म. फाइन, अभी तो हमने केवल फाइनाइट सेट्स के लिए ऐसे लिया. अब मान लीजिए कि आप इनफाइनाइट के लिए लेना चाहते हैं. सो अगर आप इनफाइनाइट के लिए लेना चाहते हैं, लेट्स से आपने कहा कि आई हैव ए बी स्टार, तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 1 0
एंड देन 102 का स्टार। तो ये जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन था। तो ए बी स्टार का जब आपने होमोमॉर्फिक इमेज क्रिएट किया तो उसके लिए भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। सिंस द रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट फॉर द होमोमॉर्फिक इमेज, तो आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म। रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।